बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की जिंदगी में जब सायरा बानो ने एंट्री ली तो मानो दिलीप साहब की जिंदगी में बहार आ गई। यूं तो उनका नाम कई और एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, उनमें से एक थी एक्ट्रेस कामिनी कौशल। सिलसिला शुरू हुआ 1948 में आई फिल्म शहीद से, जिसमें दोनों साथ काम कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकातें प्यार में बदलने लगी। कहा जाता है कि खुद दिलीप कुमार ने ही कामिनी से अपने प्यार का इकरार किया था, और तो और दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन कामिनी के साथ दिलीप का रिश्ता कामिनी के भाई को पसंद नहीं था, वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वहीं दूसरी ओर कामिनी ने अपनी बहन को मरते समय ये वचन दिया था कि उनके मरने के बाद वो उनके बच्चों का ख्याल रखेंगी, तो अपने भाई की नाराजगी और बहन को दिए हुए वचन ने कामिनी को दिलीप से जुदा कर दिया। कामिनी ने दिलीप कुमार से सारे नाते तोड़ दिए और उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई।